दोस्तों यहाँ मेरे पास एक सैमसंग कंपनी का एलईडी टीवी है। सो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कमज़ोर सिग्नल कुछ लिखा हुआ मैसेज आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कंपोनेंट मोड पे जब एलईडी टीवी चला जाता है तब इस तरह की यहाँ पर जो प्रॉब्लम है हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जॉयस्टिक स्विच है बैक में, मैं यहाँ पे कंपोनेंट मोड पे इसको अगर करता हूँ तो यहाँ पर वीडियो आ जाएगा, बट यहाँ पर जो है आपका पिक्चर कुछ डॉट टाइप में और यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरह का जो फॉल्ट होता है उसको कैसे रिपेयर करते हैं वो मैं आपको डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इसको जॉयस्टिक स्विच से एवी पे करेंगे तो जैसे ही आप एवी पे करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो है वीडियो नहीं आएगा और न ही ये जो एलईडी टीवी है एवी मोड पे जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो बैक में है इसका ये मदरबोर्ड है, इसको मैं यहाँ पे खोल के रखा हूँ और यहाँ पर इस तरह से जिप सारी निकाल ली है। ये जो पिनें हैं इन पिनों में कार्बन वगैरह आ जाने की वजह से इस तरह की जो प्रॉब्लम है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो ये दो जो लास्ट वाली पिन है ऑडियो की होती है, ये वीडियो है फर्स्ट में, इन वीडियो की जो कार्बन आ जाने से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सेकंड नंबर पिन जो है इसको शॉर्ट करके भी हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं यहाँ पर पांच पिनें हैं और फर्स्ट वाला एवी है और सेकंड वाला पिन जो है यहाँ पर जो रेड लाइन से मैंने जंप किया है तो इसकी वजह से ये शॉर्टिंग होने से यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको यहाँ से जंपर वायर की मदद से आप यहाँ पर शॉर्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट करके और एलईडी टीवी को जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एकदम जो है पिक्चर एवीपी आ गया है फंक्शन भी, और ये जो पिक्चर है कलरफुल है और एकदम फर्स्ट क्लास चल चुका है। सो दोस्तों इस तरह की समस्या को आप एलईडी टीवी पे कंपोनेंट मोड आ जाता है तो आप बहुत इजीली बिना इस कनेक्टर को बाहर निकाले आप रिपेयर कर सकते हैं। सो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करना और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।